Hello, good evening students. Today in 11th class physics, we are continuing our discussion on uniform circular motion. Uniform circular motion में अभी हम लोगों ने जो पढ़ लिए हैं topics, वो एक बार एक quick review दे दें. अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है about what? Angular displacement. Angular displacement, इसको simple language में अभी हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या? कि कितना ये एंगल कवर कर रहा है, इसको डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा. और इसको अभी हम लोगों ने लीनियर डिस्टेंस से रिलेट किया था. और कैसा रिलेट किया था? डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय रेडियस. ये पहला टॉपिक था जो अभी हम लोगों ने पढ़ा. फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसको कंपेयर किया था किससे? अभी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट से. फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने लिया था क्या? एंगुलर वेलोसिटी. तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी क्या था? इट इज द रेट एट विच द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. जैसे हम लोग वेलोसिटी डिफाइन करते थे डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, वैसा अभी हम लोग एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करेंगे. और ये होता है ओमेगा इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी. फिर इसके बाद अभी हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक लिया था क्या? इसमें बहुत सारे टर्म्स भी डिफाइन किए थे. अभी हम लोगों ने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बताया था, इंस्टेंटेनियस, बट दैट बट वी हैड डिस्कस दिस पार्ट इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लासेस. सो वी आर जस्ट टेकिंग अ क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट ऑल टॉपिक्स वी हैव कवर्ड. फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने लिया था रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज. हम लोगों ने इसमें बच्चों बहुत डिटेल में डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है. एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर्स के डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं, वी हैव डिस्कस दैट पार्ट ऑल्सो, बट दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग टूडे बिकॉज वी हैव टू कंटिन्यू आर डिस्कशन ऑन सेंटीपेटल एक्सेलरेशन. तो रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये अभी हम लोगों ने लिया था. फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया है दैट वाज व्हाट द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन. सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक व्हिच वी हैव डिस्कस, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन. तो अभी हम लोग कहते हैं बच्चों किसी भी सर्कुलर मोशन में किसी भी सर्कुलर मोशन को पॉसिबल कराने के लिए एक एक्सेलरेशन चाहिए पड़ता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. और ये एक्सेलरेशन जो भी रहता है, ये एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की वैल्यू वी स्क्वायर बाय आर होती है. और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट. किसके लिए बच्चों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए. क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों वी की वैल्यू अभी हम लोग कैसी लेते हैं? कॉन्स्टेंट लेते हैं. तो अब हम लोगों ने इसमें ये पढ़ लिया कि ये एक ऐसा एक्सेलरेशन है जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, लेकिन इसका डायरेक्शन बच्चों डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. ये इसका जो डायरेक्शन है, दिस इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो ये अभी हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिया है ना. अब हमने इतना सब इसलिए बताया क्योंकि अब हम लोग इसी टॉपिक को इसी लास्ट जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिस्कस किया उसी को अभी हम लोग आगे बढ़ाने वाले. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों ये वी स्क्वायर बाय आर होती है. और इसमें वी की वैल्यू अगर आप आर ओमेगा रख दें, वी की वैल्यू आर ओमेगा अगर आप रख दें तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर. So, acceleration will be equal to what? R omega square. तो ये acceleration बच्चों कहां की तरफ काम करता है? This always acts towards the center of the circle. ये कहां की तरफ काम करता है? ये center of the circle की तरफ काम करता है. अब इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं, देखो
अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो जो चीजें आपको बता दी वो डायग्राम में मार्क कर दें। देखो बच्चों, यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। वेलोसिटी का डायरेक्शन इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, और सभी जगह वी क्यों लिख दिया बच्चों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। और एक्सेलरेशन अगर आपको यहां पर देखना है तो ये सेंटर की तरफ काम कर रहा है। एक्सेलरेशन जो काम कर रहा है कहां की तरफ काम कर रहा है बच्चों? सेंटर की तरफ। और यहां पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर। यहां पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। यहां पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। यहां पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। सो दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेकिन सेंटर ऑफ द सर्कल यहां पर ऐसा है, यहां पर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ऐसा है, यहां पर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ऐसा है। इसका मतलब क्या है? एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर इज चेंजिंग। सभी जगह इसका डायरेक्शन कैसा हो रहा है? चेंज हो रहा है। और इसलिए ये एक्सेलरेशन बच्चों कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कैसा बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसलिए अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है अगर कभी मन में आ जाए कि अप्लाई कर लें तो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो वैसे तो अप्लाई होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में आए कि भाई चलो अभी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर इज नो, यू कैन नॉट अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो v इज इक्वल टू u प्लस at और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as कैन नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली। रीजन क्या है? बिकॉज दोज इक्वेशंस वर डिराइव्ड ऑन एन असम्पशन दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन इज सेम, बट इन दिस केस द मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड इज वी स्क्वायर बाय आर, बट द डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। देयरफॉर वी से दैट दिस एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड हेंस इक्वेशंस ऑफ मोशन आर नॉट टू बी अप्लाइड। अब इसके बाद बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो अब हम लोग ये कहते हैं कि अगर इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ रहा है, अगर इस ऑब्जेक्ट में जो कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है इसमें अगर एक एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब सम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सेलरेशन, है ना। अब इसको और एक और तरीके से अभी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है। वेलोसिटी का अगर ऐसा डायरेक्शन है तो ऑब्जेक्ट कैसा जाना चाह रहा है? द ऑब्जेक्ट इज विशिंग टू ट्रेवल अलोंग दिस डायरेक्शन, बट देयर इज सम एजेंसी विच इज नॉट अलाउइंग दिस ऑब्जेक्ट टू मूव अलोंग दिस स्ट्रेट डायरेक्शन। और वो क्या कर रहा है? यहां पर इसका डायरेक्शन ऐसा कुछ चेंज कर दिया, है ना, और यहां पर इसका डायरेक्शन फिर से चेंज हो गया। सो एट एवरी पॉइंट व्हाट इज हैपनिंग? एट एवरी पॉइंट व्हाट इज हैपनिंग? द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। और इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा फोर्स है? दैट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड दिस ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने बोला कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा है, सीधा जा रहा है, अब आप इसमें एक ऐसा फोर्स लगा दीजिए जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहा है। हमेशा कैसा काम कर रहा है? जस्ट अप्लाई अ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। बच्चों अगर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी अगर आपने फोर्स लगा दिया तो क्या होगा? सीधा जा रहा था, इसको आपने पकड़कर ऐसा खींच दिया तो क्या होगा? इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज करना है, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा जा रहा है आप इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। आपने क्या किया? ये ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा था, आपने ऐसा फोर्स लगा दिया, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो फोर्स है दैट डज नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, लेकिन क्या करेगा बच्चों? ये डायरेक्शन चेंज कर देगा, ये ऐसा चला गया। अब हमने कहा फोर्स लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है, लेकिन ये फोर्स कैसा है? परपेंडिकुलर टू द मोशन।
ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है, हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको खींच लिया। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट व्हाट हैपेंस, द डायरेक्शन चेंजेस वंस अगेन। नाउ द ऑब्जेक्ट इज टेंडिंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, वंस अगेन द फोर्स इज स्टिल एक्टिंग, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। हमने ये कह दिया कि आपने किसी तरीके से एक ऐसा फोर्स लगा दिया जो हमेशा मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रहने वाला है। तो ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है, हमने ऐसा खींच लिया, तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा। फिर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा, ये ऐसा जा रहा था, हमने ऐसा खींचा, तो इसका डायरेक्शन ऐसा हो गया। सो व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली दिस विल स्टार्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज द फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, है ना। तो अब हम लोग इसमें बोलेंगे, बच्चों ध्यान से सुनना, ये सेंट्रिपिटल फोर्स जो है ये निकालने का तरीका क्या रहेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स दिस इज द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। फोर्स कहां की तरफ काम कर रहा है बच्चों, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ काम कर रहा है। और इसमें फोर्स अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अभी आप निकाल चुके हो, ये कितना आया है बच्चों, v स्क्वायर बाय r, एक्सेलरेशन अभी हम लोग निकाल चुके हैं लास्ट टर्म पे, a इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो द सेंट्रिपिटल फोर्स का रिलेशन क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय r। सो दिस इज द रिलेशन फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, v की जगह आप r ओमेगा रख दीजिए, है ना। अब क्या होगा, अब इसमें m एक r कैंसिल होगा, m r ओमेगा स्क्वायर। अब सुनना बच्चों, ये सेंट्रिपिटल फोर्स का रिलेशन आ गया, है ना। अब इसको अभी हम लोग कैसा बोलेंगे कि किसी भी टाइप के सर्कुलर मोशन के लिए अ फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर चलाना है तो एक फोर्स चाहिए पड़ेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। और वो फोर्स सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ जो लग रहा है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट सोर्सेज इन डिफरेंट केसेस। डिफरेंट सोर्सेज का मतलब क्या है, इसका मतलब भी अभी हम बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों, अच्छे से समझना। हमने बोला कि ये जो रिलेशन है बच्चों, दिस इज द रिलेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, दिस रिलेशन गिव्स यू व्हाट, द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। और ये कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है, ये अलग अलग टाइप के सर्कुलर मोशन में अलग अलग एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं। कैसी अलग अलग एजेंसीज, इमेजिन करो, सपोज यू आर कंसीडरिंग द मोशन ऑफ अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। आपने धागे से एक पत्थर को बांधकर घुमाना शुरू कर दिया, भाई अगर आपने ऐसा घुमाया तो आपको एक फोर्स चाहिए पड़ेगा, कहां की तरफ चाहिए पड़ेगा, सेंटर की तरफ चाहिए पड़ेगा। सेंटर की तरफ कितना फोर्स चाहिए पड़ेगा, वो मास ऑफ द स्टोन के ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी ऑफ द स्टोन के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये फोर्स किसके कौन प्रोवाइड करेगा, तो वो ये थ्रेड प्रोवाइड करेगा। ये थ्रेड की मदद से आप क्या कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड यू आर कंटिन्यूअसली पुलिंग द स्टोन टुवर्ड्स द सेंटर। आपने धागे को हमेशा सेंटर की तरफ खींच के रखा हुआ है, आप अगर घुमा रहे हो तो आपके ऊपर आपको ऐसा लगेगा दैट यू विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स ऑन द थ्रेड टू कीप इट ऑन द सर्कुलर पाथ। आपको ये बात अगर मान लीजिए समझ में नहीं आती, तो आप इमेजिन करो कि आप ऐसा घुमा रहे हो और हमने कहा कि आपको सेंटर की तरफ उसको खींच के रखना पड़ रहा है, यू हैव टू अप्लाई सम मस्कुलर एफर्ट टू कीप दिस थ्रेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर की तरफ आपको
फोर्स अप्लाई करके रखना पड़ रहा है। अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो आप इमेजिन करो, करके मत देखना, इमेजिन करो कि आपने धागे को छोड़ दिया, जस्ट लीव द थ्रेड, तो क्या होगा, जो सेंटर की तरफ आपने मस्कुलर फोर्स लगाया हुआ था वो नहीं मिलेगा। क्या होगा, क्या वो चलता रहेगा, वो अपना मोशन ऑन द स्पॉट, जैसे ही आप छोड़ोगे, जहां पर भी छोड़ोगे, जैसे सपोज इफ यू आर लीविंग द थ्रेड, दिस इज द थ्रेड, इफ यू आर लीविंग द थ्रेड एट दिस पॉइंट, देन द स्टोन विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। खाली ग्राउंड में ये करके जरूर देखना, टाई अ स्टोन टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड रोटेट इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, है ना। अब इमेजिन करना, हमने ये बोला दो चीजें हैं, वन इज द रिक्वायरमेंट एंड द सेकेंड इज द सोर्स, है ना। जो रिक्वायरमेंट है सेंट्रिपिटल फोर्स का, वो सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, बच्चों अच्छे समझना ये, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छे से कहीं पर भी नहीं दिया, सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एमवी स्क्वायर बाय आर, और इसको प्रोवाइड करने के लिए दूसरी चीज है सोर्स। तो ये सोर्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, सोर्स अभी अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप के मोशन में अलग अलग एजेंसीज प्रोवाइड करेंगी। अब इस बात को समझने के लिए हम कह रहे हैं कि आप वो छोटे से स्टोन की जगह, यू आर हैविंग अ थ्रेड, यू आर हैविंग अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड यू आर रोटेटिंग, जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट द सेम थ्रेड एंड इंस्टेड ऑफ अ स्मॉल स्टोन यू आर हैविंग सच अ लार्ज स्टोन, बड़ा सा पत्थर आप तो कर भी नहीं पाओगे, इमेजिन जरूर कर सकते हो, क्यों नहीं घुमा पाओगे, तो आप बोलोगे हमारे अंदर ताकत नहीं है, आपके अंदर उतनी ताकत भी आ जाए तो सेंट्रिपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट बच्चों ज्यादा हो गया, एम जो है बहुत ज्यादा हो गया, मास बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए ये रिक्वायरमेंट बिकम्स लार्जर, रिक्वायरमेंट जो है बच्चों ज्यादा हो गया, बिकम्स लार्ज, और उसको प्रोवाइड कौन कर रहा था, थ्रेड प्रोवाइड कर रहा था, कौन प्रोवाइड कर रहा था, थ्रेड प्रोवाइड कर रहा था, so you'll not be able to move this, अगर move कर भी लिया तो thread टूट जाएगा, if you are trying to rotate a large stone with the help of the same thread, then what will happen, it may happen that the thread may break, और thread अगर break कर जाएगा तो क्या होगा, the stone will leave the circular path, और circular path कहीं पर भी कोई object अगर छोड़ेगा, ये याद रखना, whenever any object leaves the circular path, it does not leave on the same circle, it leaves along the direction of tangent. अगर यहां पर छोड़ेगा तो ऐसा जाएगा, यहां पर छोड़ेगा तो ऐसा जाएगा। तो अब हम लोग ये कहते हैं बच्चों, सुनना, centripetal force required, centripetal force required, force required should be smaller than or equal to the force provided by the source. Centripetal force जो requirement है mv square by r, ये कम रहना चाहिए। आप इसको बहुत simple से example से समझ सकते हैं, भाई हमारी खुद की requirement जो है, जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं पेन पेंसिल रिचार्ज एंड नेट वाउचर, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, देयर इज शुड ऑलवेज बी स्मॉलर देन और इक्वल टू व्हाट द सोर्स, और सोर्स क्या है, द मनी प्रोवाइडेड बाय आर पेरेंट्स। तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा कम रहना चाहिए, किससे, सोर्स से, और जब भी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा ये आपको मालूम है। तो अब इसको फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। तो एक एग्जांपल तो अभी हम लोगों ने बता दिया, पहला एग्जांपल मोशन ऑफ अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, ऑफ अ स्ट्रिंग एंड रोटेटेड ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो क्या बोलेंगे बच्चों, सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड
विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू द सोर्स टी. दिस इज द फोर्स इन द थ्रेड. और इसको एक स्पेशल नाम देते हैं फोर्स इन द थ्रेड को. इसको अभी हम लोग टेंशन बोलते हैं, द टेंशन इन द थ्रेड. तो सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू व्हाट द टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन इज रिलेटेड टू व्हाट द स्ट्रेंथ है ना ऑफ द स्ट्रिंग है ना. स्ट्रेंथ कितनी वो कितना फोर्स ले सकता है. अगर आपने ज्यादा बड़ा मास ले लिया तो क्या होगा बच्चों, जैसे वो फॉर एग्जांपल इस सब की वैल्यू 10 है और थ्रेड जो फोर्स ले सकता है वो 15 न्यूटन है. अब आपने बड़ा सा स्टोन ले लिया, मास डबल कर दिया. मास अगर डबल कर देंगे बच्चों तो ये 20 हो जाएगा. अगर ये रिक्वायरमेंट 20 हो गई, थ्रेड कितना ले सकता है वो अभी भी 15 है, तो क्या होगा भाई, रिक्वायरमेंट 20 हो गई और थ्रेड कितना प्रोवाइड कर सकता है 15. तो इफ द रिक्वायरमेंट बिकम्स लार्जर देन सर्कुलर मोशन स्टॉप्स. कैसे रुकेगा, थ्रेड ब्रेक हो जाएगा और थ्रेड ब्रेक होगा तो स्टोन विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टैंजेंट. ठीक. अब अगली चीज देखो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, चिंता मत करो, सब एकदम परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. अब इसके बाद बच्चों देखो, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये कहां पर है बच्चों, ये सर्कुलर पाथ पर है. इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑन सर्कुलर पाथ. अब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस ये है बच्चों, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पर चल रहे हैं तो कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पर अगर चल रही है तो उसको एक फोर्स चाहिए पड़ेगा सेंटर की तरफ. तो इसमें कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की तरफ है ना. तो अब इसमें क्या बोलेंगे बच्चों, द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting on the electrons due to positively charged nucleus. अब हम लोगों ने ये कह दिया इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्ट होंगे कहां की तरफ, अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की तरफ. तो इसमें आप ना तो मास वेरी कर सकते हो ना वेलोसिटी वेरी कर सकते हो, जो कुछ भी है बिल्कुल फिक्स है ना. तो इसलिए अभी हम लोग ऐसी कोई कंडीशन इसमें नहीं लगा पाएंगे कि भाई सेंट्रिपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट कम रहना चाहिए. किससे कम रहना चाहिए, बाय द सोर्स विच वी आर प्रोवाइडिंग. वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट. लेकिन अभी जो जो चीजें आती जा रही हैं वो सीखते जाओ कि भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर, बस मेन चीज ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो एक फोर्स चाहिए पड़ता है, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टुवर्ड्स द सेंटर. यहां पर थ्रेड ने प्रोवाइड किया था, इसका भी डायग्राम तो ले ही नहीं, अपन ने लिया ही नहीं था. टेंशन इन द थ्रेड मार्क कर दी. यहां पर देखो, इसमें अभी हम लोगों ने बोला ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा. चल अब नेक्स्ट देख लो बच्चों, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन ऑन सर्कुलर पाथ्स. वैसे आगे जाकर अब ये लोग पढ़ेंगे, पाथ जो है सर्कुलर नहीं होता, ये स्लाइटली इलिप्टिकल होता है, बट
दैट इज नॉट द केस एट दिस स्टेज वी कैन अज्यूम दैट प्लैनेट्स आर मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन ऑन सर्कुलर पाथ ये सन है और ये बच्चों ये हमारी हमारी ये अर्थ है दिस इज द अर्थ दिस इज मूविंग अराउंड द सन जिस पर अभी हम लोग रह रहे हैं तो ये सर्कुलर पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो फोर्स इज रिक्वायर्ड तो बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अर्थ और सन के बीच में एक फोर्स काम करता है सन इसको अपनी तरफ खींच के रखा बिल्कुल धागे वाला कॉन्सेप्ट है सन ने अर्थ को अपनी तरफ खींच के रखा है और एक अभी हम लोग कहते हैं अगर ये नहीं होता मान लीजिए अगर ये इसको अपनी तरफ नहीं खींच रहा होता तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होता ये सीधा चला जाता लेकिन क्या हो रहा है ये इसको सीधा नहीं जाने दे रहा अपनी तरफ खींच ले रहा अब यहां पर जब आ गया तो इसका डायरेक्शन ऐसा कुछ है ये ऐसा कुछ जाएगा जाने की टेंडेंसी है लेकिन ये इसको सीधा नहीं जाने दे रहा अपनी तरफ खींच ले रहा तो हर जगह पर इसमें फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर और ये फोर्स कौन प्रोवाइड करता है तो इसमें अब हम लोग रीजन लिख दे रहे हैं द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड is provided by what the gravitational force of attraction तो gravitational force के बारे में तो पढ़ा हुआ है कि भाई gravitational न्यूटन ने ही कहा था कि ये अर्थ जो है सन की तरफ इनफैक्ट सारे ऑब्जेक्ट्स अपने को एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते तो so centripetal force required in this case is provided by the gravitational force of attraction on earth due to sun ठीक अब चलो next आ जाते हैं next example अब ऐसे ही कुछ लेते हैं क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये सबको समझ में आएगा जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आएगा मोशन ऑफ व्हीकल्स ऑन कर्व्ड पाथ कर्व्ड पाथ पर बच्चों सड़क मान लीजिए कुछ ऐसी है इफ यू आर मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ तो एक फोर्स चाहिए पड़ेगा अब सपोज फॉर एग्जाम्पल यू आर मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ ये कर्व्ड पाथ ऐसा कुछ है यहां से ऐसा कुछ और अगर आप इस कर्व्ड पाथ पर मूव कर रहे हो आप अपने व्हीकल के साथ दिस इज योर व्हीकल अगर आप ये इसके ऊपर मूव कर रहे हो तो एक फोर्स चाहिए पड़ेगा कहां की तरफ सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ अब ये कौन प्रोवाइड करता है तो यहां पर तो कोई थ्रेड नहीं बंधा हुआ है तो यहां पर अभी हम लोग बोलते हैं ये जो व्हीकल जो गाड़ी हम लोग चला रहे हैं उसमें और रोड के सर्फेस के बीच में क्या है एक रफनेस है एंड दैट रफनेस रिजल्ट्स इन अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर व्हिच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बात समझ आई तो अब हम लोग क्या बोलेंगे मोशन ऑफ व्हीकल्स ऑन कर्व्ड पाथ ये सेंट्रिपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड सर्फेस अब सेंट्रिपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट क्या आएगा सेंट्रिपिटल अब बच्चों ये तो चेंज हो सकता है इसलिए यहां पर तुम लोग ये बोलोगे कि आपने सन और अर्थ के एग्जाम्पल में फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया तो बच्चों उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते यू कैनॉट चेंज द मास ऑफ द प्लैनेट यू कैनॉट चेंज द स्पीड यू कैनॉट चेंज बट व्हीकल है तो इसलिए अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं है ना और गाड़ियों को चलाते समय व्हेन यू आर मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ तो अभी हमने देखा इन मोस्ट ऑफ द केसेस द स्लिपिंग और द स्किडिंग अकर्स ऑन कर्व्स कर्व्स के ऊपर स्किडिंग होती है स्लिप जो होती है गाड़ियां कर्व्स पर स्लिप होती है तो वो भी समझना जरूरी है तो हम लोग क्या बोलेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बच्चों क्या आएगा एम वी स्क्वायर बाय आर और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है
ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एम वी स्क्वायर बाय आर, ये रिक्वायरमेंट है। ये क्या है बच्चों, रिक्वायरमेंट, दिस शुड बी स्मॉलर देन, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कम रहनी चाहिए, किससे, सोर्स से। तो सोर्स क्या है बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या है बच्चों, सोर्स इज व्हाट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसको डिस्कस करें, अब हम लोग ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जनरली हैव अ कंप्लेंट के भाई व्हाट हैपेंड, कहने लगे माय व्हीकल स्लिप्ड, व्हीकल स्लिप क्यों हुआ, तो सबसे पहला जो आंसर सामने वाले का रहता है, तेज चला रहे होगे, है ना। तो तेज चलाने में होगा क्या बच्चों, आपकी जो सेंट्रीपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है। अब जैसे अगर आप नॉर्मल स्पीड पर अगर आप चल रहे हैं तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट मान लीजिए 80 आया, m into v square upon r, m ले लिया आपका मास, गाड़ी का मास, v velocity of the vehicle, r radius of the curve, आप जिस curved रास्ते पर चल रहे हैं उसका रेडियस, है ना। ये कैलकुलेशन आपने 80 कर लिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बच्चों 100, ठीक है, आप सेफली मूव कर जाओगे। लेकिन किसी दिन आपने तेज चलाया, वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी, इफ वेलोसिटी बिकम्स लार्जर, देन व्हाट हैपेंस, देन दिस वैल्यू बिकम्स इज 120 अगर हो गई, तो कौन प्रोवाइड कर रहा था सोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो वही है, मतलब रफनेस भी बिल्कुल वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आपकी गाड़ी का टायर का नेचर, सरफेस जो है उसका भी नेचर, वो भी सेम है, सो दिस एवरीडे रिमेन्स सेम, ये तो सेम है। तो रिक्वायरमेंट बिकम्स लार्जर, सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब सर्कुलर पाथ के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो इससे फुलफिल हो रही थी, बट नाउ द रिक्वायरमेंट इज नॉट फुलफिल्ड। व्हाट हैपेंस व्हेन योर स्पीड इज लार्ज, व्हाट हैपेंस व्हेन यू कम ऑन दिस कर्व्ड पाथ, द रिक्वायरमेंट इज नॉट फुलफिल्ड एंड सर्कुलर मोशन स्टॉप्स। और सर्कुलर मोशन जब भी बंद होगा तो स्लिपिंग कैसी होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, और ये आपने देखा भी होगा, कहां पर, मोटर बाइक रेसिंग में देखा होगा, जितनी भी स्लिपिंग होती है ऐसी कुछ होती है ना। अब देखो एक और एग्जांपल ले लें इसी में, है ना, तो ये बात समझ आ गई। तो इसलिए सभी लोग, मोस्ट ऑफ आर एल्डर्स, मोस्ट ऑफ आर पेरेंट्स एंड गार्जियंस टेंड टू से ड्राइव स्लोली, बी सेफ, है ना, क्यों, क्योंकि एम वी स्क्वायर बाय आर, आप इसको कम रखोगे, सेंट्रीपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट कम आएगा और जो सोर्स है वो उसको प्रोवाइड कर पाएगा। बट नाउ वी आर हैविंग अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। नाउ व्हाट समबडी सेज समडे के आई वाज नेगोशिएटिंग अ कर्व, आई वाज मूविंग ऑन अ कर्व एंड माय व्हीकल स्लिप्ड, तो आप बोलोगे, कोई भी बोलेगा दैट व्हाट हैपेंस, आप तेज चला रहे हो, नहीं, हम जितना नॉर्मल स्पीड पर थे उसी स्पीड पर चल रहे थे। तो फिर क्या हुआ, कहने लगे वहां पर देयर वाज सैंड स्प्रेड ऑन द रोड। अब सैंड स्प्रेड होने की वजह से क्या होगा, सोचकर देखो, स्लिपिंग अकर्स ड्यू टू व्हाट, स्लिपिंग का एक रीजन तो हमने बता दिया, किसी दिन स्पीड ज्यादा होगी तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ये उतना ही है। अब दूसरा केस क्या है बच्चों, इफ सैंड इज स्प्रेड ऑन दिस रोड सर्फेस, तो रफनेस जो है रोड की, जो रफनेस है वो कम हो जाएगी, रफनेस कम हो जाएगी मतलब स्मूथ हो जाएगा, द रोड सरफेस विल बिकम स्मूथ, मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो कम हो जाएगा। तो अभी हम लोग कहते हैं रोड सरफेस को अगर आप देखो तो इसमें क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी नहीं देखो बहुत, तो इसमें बहुत सारे होल्स रहते हैं, बहुत सारे पोर्स रहते हैं, और सैंड स्प्रिंकल करने की वजह से ये इनके अंदर फिल हो जाते हैं एंड द सर्फेस बिकम स्मूथ एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस। और रोड सर्फेस बच्चों अगर स्मूथ हो गई, अगर रोड सर्फेस स्मूथ हो गई तो क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा, व्हाट हैपेंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूसेस। अब देखो रोज की तरह आप जिस स्पीड से जा रहे थे उसी स्पीड से जा रहे हो, मतलब दिस सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड इज 80, बट व्हाट हैपेंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूसेस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस दिन क्या हो गया, कम हो गया, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया, तो सैंड स्प्रिंकल करने की वजह से ये फोर्स
ऑफ फ्रिक्शन जो 100 था दैट हैज नाउ बिकम इक्वल टू व्हाट 70. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया. और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर कम हो गया, आप रोज की स्पीड से जा रहे थे, रोज जितनी स्पीड से जा रहे थे उतनी स्पीड से, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो गया इसलिए रिक्वायरमेंट इज नाउ ग्रेटर एंड द सोर्स प्रोवाइडिंग द फोर्स इज स्मॉलर, 70 हो गया. सो स्लिपिंग अकर्स. तो ये भी एक केस होता है जब अभी हम लोग बोलते हैं कि स्लिपिंग हैज अकर्ड ऑन कर्व्ड पाथ. तो बच्चों ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं. एक और अभी हम दे रहे हैं, है ना, ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम परफेक्टली क्लियर होंगे. और ये चीज हमेशा याद रखना कि सेंट्रिपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट शुड बी स्मॉलर देन, ऑलवेज स्मॉलर देन द सोर्स बाय विच वी आर फुलफिलिंग इट, है ना. फिर इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं कि जब भी सर्कुलर मोशन बंद होगा, वेन एवर सर्कुलर मोशन स्टॉप्स ड्यू टू द सोर्स नॉट एबल टू फुलफिल द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायरमेंट, व्हाट विल हैपन? वेन एवर द सर्कुलर मोशन स्टॉप्स द ऑब्जेक्ट मूव विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. तो ये इसका एग्जाम्पल अभी हमने बताया था कि सर्कुलर पाथ पर आपने मोटर बाइक रेसिंग वगैरह में देखा होगा कि ये कहां की तरफ मूव करता है, स्लिप करके अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. अब देखो एक और बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बच्चों. मोशन ऑफ व्हीकल्स ऑन स्पीड ब्रेकर्स. बच्चों ये अभी हम बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको इसलिए बता दे रहे हैं आपको ये बातें समझ में आएंगी, क्योंकि ये सभी ने फील की हुई है, है ना. अब इतने थोड़े से समय के लिए, जस्ट फॉर सम सेकंड्स, यू आर मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, यू आर मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, एंड इन दिस केस व्हेन यू आर ऑन द टॉप योर व्हीकल, आपका जो व्हीकल है बच्चों, है ना, वो जब टॉप पर है तो सेंटर की तरफ फोर्स, सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए पड़ेगा. और सेंटर की तरफ फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंटर की तरफ फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय वेट. ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं मोशन ऑफ व्हीकल्स ऑन स्पीड ब्रेकर्स. स्पीड ब्रेकर्स इसमें क्या बोलेंगे? The centripetal force required is provided by the weight of the vehicle plus the driver. Weight जो है कहां की तरफ लगता है? नीचे की तरफ. Weight किसी भी object का, इसका weight कहां की तरफ? नीचे की तरफ. और ये नीचे की तरफ मतलब center of the circle की तरफ आ रहा है, और सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो सेंट्रिपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है. अब क्या होगा? तो एमवी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रिपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू व्हाट? द वेट ऑफ व्हीकल प्लस ड्राइवर. अब बताओ बच्चों क्या होता है, किसी दिन जब आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो तो क्या होगा? एमवी स्क्वायर बाय आर, फिर से रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा. जब आप रोज धीरे धीरे जा रहे हो, व्हेन यू आर मूविंग स्लोली यू आर एबल टू मूव ऑन द स्पीड ब्रेकर सेफली, बहुत सेफली मूव करोगे, है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट सडनली वन डे एब्सेंस ऑफ माइंड यू डोंट रिमेंबर दैट यू आर हैविंग अ स्पीड ब्रेकर एंड यू कंटिन्यू विद द सेम स्पीड. स्पीड अगर ज्यादा हो गई तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा. वेट ऑफ द व्हीकल एंड द ड्राइवर इट रिमेन्स सेम एवरी डे. तो बच्चों अभी हम लोग ये बोलेंगे, मान लो ये 150 हो गया और ये 120 हो गया, ये तो 120 है तो ये ज्यादा हो गया. जिस दिन स्पीड ज्यादा होगी ये ज्यादा हो गया. स्पीड ज्यादा होने पर एम वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और जब ये ज्यादा हो जाएगा तो मोशन ऑन सर्कुलर पाथ पॉसिबल नहीं होगा. मोशन ऑन सर्कुलर पाथ पॉसिबल नहीं होगा मतलब क्या होगा? ये जो आप ऐसा मूव कर रहे थे अब ये सर्कल पर नहीं चलोगे, सर्कल पर नहीं चलोगे मतलब सर्कल छोड़ दोगे. और सर्कल कैसे छोड़ते हैं? सर्कुलर पाथ कैसे छूटता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. तो ये टेंजेंट के अलोंग. और ये अभी आप लोग कैसा बोलते हो आम भाषा में कि वी वर मूविंग ऑन अ स्पीड ब्रेकर द व्हीकल जंप्ड, द व्हीकल डिड नॉट जंप, द व्हीकल लेफ्ट द सर्कुलर पाथ. ये सर्कुलर पाथ पर आराम से चली जाती अगर आपकी स्पीड कम होती, लेकिन इसने ये सर्कुलर पाथ छोड़ दिया. और सर्कुलर पाथ कैसा छोड़ता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. लेकिन क्या आप हमेशा फ्लाई करते रहोगे आपने जैसे छोड़ा?
तो नहीं, ये ग्रेविटी आपको धीरे धीरे नीचे ले आएगी। ठीक है बच्चों, ये कुछ एग्जांपल्स थे किसके, सेंट्रिपिटल फोर्स के हैं। तो अब सेंट्रिपिटल फोर्स के कुछ और कॉन्सेप्ट्स अभी हम कंटिन्यू करेंगे ऑन द नेक्स्ट टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे।